विधायक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार रेप पीड़िता के बयान महिला पुलिसकर्मी के द्वारा बंद कमरे में दर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं सूबे की सरकार के द्वारा महिलाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सभी सरकारी कार्यालयों में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के लिए एक विशेष महिला डेस्क का शिलान्यास भी करवाया गया था, जिससे महिलाओं को राहत मिल सके। लेकिन बीजेपी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बीजेपी विधायकों के द्वारा खुद ही मलियामेट किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले में स्थित थाना हरदुआगंज क्षेत्र का है, जहां एक युवती का पड़ोसी के यहां आए हुए रिश्तेदार से नैन मिल गए। युवक के द्वारा शादी की बात कहकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए गए, साथ ही युवती के अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए। जब युवती के द्वारा युवक के ऊपर शादी का दबाव बनाया गया तो युवक के द्वारा युवती से एक दिन मंदिर में जाकर माला डालकर शादी कर ली गई, साथ ही युवती से स्टैम्प पेपर पर भी शादी करके एक पेपर युवती के हाथ में दे दिया गया। युवक युवती को फोन देकर फरार हो गया। वहीं जब युवक से युवती की बातचीत बंद हो गई तो युवती के द्वारा युवक की छानबीन शुरू की गई तो पता चला युवक कहीं और शादी कर रहा है। उसने वो हमको फोन दे के गया था, वो हम उसको बुलाते थे, वो भी बुलाता था मुझे। फिर क्या हुआ? अब मुझे ले गया एक दिन को और क्या किया तुम्हारे? उसने रेप किया था मेरे साथ और मुझसे कह रहा था किसी को बताना मत, नहीं तो तुझे को मार दूंगा। कोई वीडियो भी बनाई थी? नहीं, वीडियो नहीं बनाई थी। आज कहाँ आई हो तुम? कहाँ पे आई हो? थाने में। थाने में एफआईआर दर्ज हो गई? हाँ, अभी नहीं हुई। जो आपके बयान हो रहे थे थाना दिवस में हो रहे थे सबके सामने? हाँ। कहाँ हो रहे थे? थाने में। थाने दिवस में सबके सामने हो रहे थे बयान? हाँ, सबके सामने। इस फैक्टर समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट।